हम कलेक्टर साहब से मोदी से मिलने आए आज। हमारे गांव के अंदर पुराने टाइम से, बहुत लंबे टाइम से, मतलब 200-300 पीढ़ी से गाँव बसा हुआ है। चरागा भूमि है 400-500 के समथिंग। उसको ये सामाजिक तत्व है, 4-5 जन मिल के पॉलिटिक्स बना रहा है कि इसको मैटर को हमारे कार्यों के दोबारा बार सारी ज़मीन को उन्होंने रोंद रखा है। उनको खेती बाड़ी कर रहे हैं। हम लोग वहाँ जाते हैं तो ना हमारे को यूज़ लेने देते हैं, ना हमारे गोचर वगैरह के अंदर बेस वगैरह जाने देते हैं। हमारा गांव माधोगढ़ है, पंचायत देवपरा है, तहसील मसूदा है। आज हमें कलेक्टर साहब से मिलने हैं। उन्होंने दिया जल्द से आपकी कार्रवाई करेंगे, 5-10 दिनों का टाइम दिया है कि 5-10 दिन हो जाएगी अभी कार्रवाई सारी चीज़। मेरा नाम गोविंद राव। साहब ये सब मामला है कि जो गाँव ग्रामीण माधोगढ़ देवपरा पंचायत के हम रहने वाले हैं और हमारे गांव बिशा जी टाइम से ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बढ़ेरा से ये ज़मीन सराका है। जो भूमि जी के ऊपर गैया भैंसे चराने के लिए है ज़मीन, इसके ऊपर 5-4 लोगों ने कब्जा कर रखा है, काश्तकारी कर रहे हैं। इसीलिए मैं कलेक्टर साहब को ये जवाब दे चाहूँगा भाई ये माँ के जरूरी चीज़ की होना ही करे। कौन लोग है करने वाला? तो ये गोपाल है, अमरचंद है, गौरदन है, 4-5 आदमी है। हाँ गांव के। मानव रामदेव।